रायपुर में बीजेपी आज नया भारत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत नया भारत उत्सव सुबह 11 बजे कुछ देर बाद ये शुरू होना है। एनआईटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रायपुर सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्सव में विकास प्रदर्शनी, 3D रंगोली, इसके जरिए प्रदर्शन किया जाएगा केंद्र सरकार की योजनाओं का। युवा संवाद ये भी रखा गया है, एक सेगमेंट युवा संवाद का भी है। युवाओं से बातचीत होगी, शहर के युवाओं से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर, कोया कुटमा समाज के लोगों ने की है घर वापसी। लोहांडीगोड़ा ब्लॉक के 6 लोगों ने धर्म परिवर्तित कर लिया था, अब वापस ये अपने धर्म में लौट आए हैं। 6 लोगों ने अपने मूल आदिवासी समाज में वापसी कर ली है, देवी देवताओं को साक्षी मानकर अपने धर्म में लौटे हैं। लोहांडीगोड़ा के गड़िया गांव का ये पूरा मामला है। दरभा ब्लॉक लगता है कांटा कादा मांझी पारा, यहां पर लोगों ने घर वापसी की है। एक ही परिवार के 7 लोग घर वापस लौटे हैं। समाज के प्रमुख लोगों के सामने ये घर वापसी हुई है। कांटा कादा मांझी पारा, यहां पर लोगों ने घर वापसी की है। एक परिवार के 7 लोग, कुछ साल पहले इन्होंने धर्म परिवर्तित किया, ईसाई धर्म अपनाया और अब वापस ये अपने घर पहुंचे। समाज के प्रमुख लोगों के सामने वापस, आदिवासी समाज में वापसी। और इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी, दर्शक ये भी जान लें कि आदिवासी दरअसल धर्म क्या है। हर कोई अपने धर्म का दावा किए जा रहा है, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक, अंग्रेजों के समय की जनगणना से लेकर अब तक, आदिवासी अपने धर्म को, आदिवासी को ही अपना धर्म बताते हैं। अदर में, धर्म के कॉलम में अदर में लिखा जाता है आदिवासी। और इसे लेकर तमाम दावे, प्रतिवादे, प्रतिदावे ये अदालतों में भी लगे हुए हैं। कोया कुटमा समाज के ये लोग हैं जो मूल समाज में वापस लौटे हैं। श्रीनिवास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास के पास हम आपको लिए चलेंगे सीधे जगदलपुर और उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे। श्रीनिवास, विस्तार से जानकारी दें और ये भी बताएं कि कब, अगर वक्त पता चल पाया हो, कब आखिर इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था और अब कितने साल बाद ये वापस अपने मूल आदिवासी समाज में लौटे हैं। जी 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 बिल्कुल, ये लोहांडीगोड़ा ब्लॉक के गड़िया पंचायत का मामला है जहां 6 लोग अपने धर्म को बदल के ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए थे। ये लगभग 10 से 15 वर्ष पहले का मामला है जहां पर ये पंचायत के 6 लोग धर्म को बदल लिए थे, जिसके बाद गांव के लोगों ने, गांव के प्रमुखों ने उनको समझाइश दी कि अपने मूल धर्म में वापस आए, अपनी संस्कृति, अपने रीति नीतियों को अपनाएं, जिसके बाद ये सभी 6 ग्रामीण समाज के प्रमुख के साथ बैठक की। वहां के सरपंच मौजूद थे, जी मुखिया पटेल, इनके सबके सामने वहां पर देवी की पूजा की, ग्राम देवी की अर्चना की, जिसके बाद ये सभी 6 जो लोग हैं ये अपने मूल धर्म में वापसी हुए हैं। साथ ही इसके अलावा दरभा ब्लॉक में भी एक मामला आया है जहां पर एक परिवार के 7 लोग अपने धर्म में वापसी किए हैं। ये भी कुछ वर्ष पहले हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए थे, जिसके बाद गांव प्रमुखों की बैठक हुई और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अब ये मुहिम शुरू हो गई है और ये लगातार घर वापसी का दौर शुरू हो चुका है। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास आपका तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब दुर्ग से बड़ी खबर, बहुप्रतीक्षित पावर हाउस फ्लाईओवर आखिरकार आज से शुरू होने जा रहा है। रायपुर से दुर्ग आने जाने वाली लेन को खोला जाएगा। रायपुर जाने वाले वाहन सर्विस रोड के जरिए चल सकेंगे। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में ये ब्रिज बना है, प्रदेश का सबसे ऊंचा ब्रिज। बार बार इसकी ओपनिंग टलती रही, टेस्टिंग के लंबे दौर से ये गुजरा है, कई सारे निर्माण कार्यों में कई सारे आरोपों की बात निकलकर सामने आई, अव्यवस्थाओं की बात निकलकर सामने आई, लेकिन चलिए आखिरकार पावर हाउस फ्लाईओवर आज से
शुरू होने वाला है। नेशनल हाईवे 53 पर यह प्रदेश का सबसे ऊंचा ब्रिज होने का दावा किया जा रहा है। बहुप्रतीक्षित, लंबे अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा था। रायपुर और दुर्ग के ट्रैफिक को इसके जरिए राहत मिलेगी। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश के पास सीधे हम आपको दुर्ग लिए चलेंगे। मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे। मिथिलेश, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद, लंबी चौड़ी टेस्टिंग के बाद आज से फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा, क्या अपडेट? ललित, बिल्कुल आज से कुछ राहत जरूर मिलने वाली है लोगों को, लेकिन खुशी जो है अभी अधूरी है, क्योंकि एक तरफ का ही फ्लाईओवर चालू किया जा रहा है जो रायपुर से दुर्ग की ओर आता है, उस लेन को चालू किया जा रहा है, और जो दुर्ग से रायपुर की ओर जाते हैं वो अभी फिलहाल जो है लेन अभी चालू नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ काम बचे हुए हैं। लेकिन खुशी अधूरी है और राहत भी अधूरी है, क्योंकि एक ही लेन को चालू किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहत की बात यह है कि जो काफी जो ट्रैफिक जाम हुआ करता था भिलाई से रायपुर के बीच में, जो सबसे प्रमुख चौराहा कहलाता है पावर हाउस का, यहां पर जो है अक्सर ट्रैफिक जाम हुआ करता था, एक तरफ का भी यदि लाइन चालू होता है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी, और दूसरे लाइन का जो चालू होने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश का यह पहला ऐसा ब्रिज है जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनाया गया है। मतलब जो ब्रिज जो जा रहा है रायपुर की ओर जा रहा है वो ऊपर से जा रहा है, उसके नीचे से एक और ब्रिज है जो भिलाई की ओर क्रॉस करता है। तो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा यह ब्रिज माना जा सकता है। जब 1600 मीटर करीब यह लंबा ब्रिज है, करीब इसकी 18-18.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, काफी ऊंचा ब्रिज है ये, और इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। भिलाई से लेकर रायपुर के बीच में करीब 4 फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भिलाई पावर हाउस एक ऐसा एरिया है जहां से ना सिर्फ टाउनशिप बल्कि रायपुर जाने वाले और हैवी इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र को जाने वाले, ये जो ब्रिज है ये यहां से ही सब आना जाना करते थे, चौक से आना जाना करते थे। जब ये ब्रिज बन जाएगा तो जो हैवी ट्रैफिक है वो रायपुर की ओर जो जाने वाला है वो फ्लाईओवर से जाएगा, और जो बाकी जो हल्के वाहन है वो नीचे से जा सकेंगे। लोग काफी इसका इंतजार कर रहे थे, 5 साल से इसका इंतजार किया जा रहा था, अब जाकर ये खुशी मिलने वाली है, वो अधूरी खुशी मिलने वाली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस दोनों लेन को चालू कर दिया जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। चलिए चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम, 5 साल का इंतजार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी हम मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। परिवहन से बात अब पानी की करेंगे। भिलाई से बड़ी खबर, निगम क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में आएगी बाधा। कल हालांकि पानी की आपूर्ति बाधित नहीं होगी, सामान्य दिनों की तरह लोगों को पानी मिलने लगेगा। मरम्मत की तारीख बदल दी गई है, अब जो मेंटेनेंस का काम होना था वो 3 जुलाई को किया जाएगा। मुख्य पाइपलाइन में लीकेज है, इसके मेंटेनेंस का काम करना है, पर वो कब किया जाएगा? 3 तारीख को। पहले कहा गया था कि कल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल फौरी राहत मिलेगी, कल पानी की सप्लाई नॉर्मल रहेगी। और अब खबर दुर्ग से, पुलिस के प्रयास से आत्महत्या की एक घटना रुक गई। फांसी पर लटकने से पहले पुलिस पहुंच गई और आत्महत्या की कोशिश कर रही एक महिला को बचा लिया गया। डायल 112 की सूझबूझ के चलते ये जान बची। मोहन नगर थाना इलाके का पूरा मामला है। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि खुदकुशी की ये कोशिश पूरी हो पाती, पुलिस वहां पर पहुंच गई।